जय माता दी। आज मैं बनाऊंगी व्रत में खाने वाला नाश्ता। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो यहाँ पे मैंने ग्रेट की हुई आलू ली है, ये ग्रेट की हुई है, ये उबली हुई आलू है, तो मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा हुआ है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। कढ़ाई कोई भी हो, लोहे की हो, नॉनस्टिक की हो, स्टील की हो, कोई भी आप ले सकते हो। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे, गर्म होने देंगे। एक डेढ़ चम्मच मैंने घी लिया हुआ है। हमारा घी गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हम जीरे को जलाएंगे नहीं, और इसमें हम डालेंगे अच्छे से धुले हुए मूंगफली दाना, जो इनको भी हम फ्राई करेंगे। और इसमें हम डालेंगे एक हरी मिर्च, तो इसको भी हम भूनेंगे अच्छे से, इनको हमें फ्राई करना है। अब ये हमारे मूंगफली के दाने भून चुके हैं, इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर, इसे साथ में ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इनको तब तक चलाते रहना है जब तक ये हमारे टमाटर स्मूथ ना हो जाए, और अच्छे से इनकी हम तब तक चलाते रहेंगे। अब ये जो हमने ग्रेट की हुई आलू, इसमें हम मिला लेंगे। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से भूनना है कि सारी चीज़ों का टेस्ट। थोड़ा सा साबूदाना इसी में ऐड कर लेंगे, इसको डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं। इसको भी इसी साथ में भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें भून चुकी हैं, इसमें खुशबू भी आ रही है, स्वादिष्ट और टेस्टी भी बना हुआ है। तो हमारा जो है नाश्ता बनके आलू का तैयार है, अब इसको हम सर्विंग करेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर दाने रखे हुए हैं, इसके ऊपर मूली रख लेंगे, खीरा भी रख लेंगे, टमाटर भी रख लेंगे, ये तो हो गया हमारा नाश्ता। तो आप व्रत में सारी चीज़ों को खा सकते हैं। धन्यवाद।